नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम। आप देख रहे हैं टेक इंडिया डिफेंस रिलेटेड वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में कुछ नए तरह का डिफेंस न्यूज़ के बारे में बात करूंगा। फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, पहले न्यूज़ की बात करें तो इंडिया और चाइना के तब जाता इंडिया और चाइना के जनरल्स ने हिमालयन आउटपोस्ट में सैटरडे को एक मीटिंग किया था। मैंने इस मीटिंग में लद्दाख रीजन सिक्किम बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बात किया था। मैंने दोनों एरिया में जो इंडिया के साथ चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है उस बारे में बात किया गया था, और जहाँ से हद तक दोनों कंट्री अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करें उस बारे में इस मीटिंग में बात किया गया था। फिर आपको इंडिया चाइना मीटिंग के बारे में क्या लगता है, कैसे करके इंडिया चाइना दोनों कंट्री सॉल्व कर सके, मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। फ्रेंड, सेकेंड न्यूज़ की बात करें तो इंडिया का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के तब से आता है इंडियन एयरफोर्स के तब से जहाँ से तक स्वदेशी फाइटर जेट को इंडक्ट करने में ध्यान दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट ने टेडवर्फ मतलब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम को जैसे मंजूरी दे दी है डेवलप करने के लिए। अदर कंट्रीज जैसे यूएसए हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, अपना फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर चुका है। इसलिए इंडिया की तरफ से भी जहाँ से तक जल्दी से जल्दी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को कम्प्लीट करने में ध्यान दे रहा है। इंडिया की तरफ से भी मेनली एचएल की तरफ से एम का प्रोजेक्ट पर जहाँ से तक ध्यान दिया गया, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। फ्रेंड, आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। फ्रेंड, रूमर्स की बात करें तो रूमर्स मतलब ऑफिशियल डेट्स की बात करें तो 2026 तक शायद एमका का फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट कर लिया जा सकता है बताया जा रहा है। फ्रेंड, थर्ड न्यूज़ की बात करें तो डीआरडीओ का मिसाइल टेस्ट प्रोग्राम के तब से आता है कोविड-19 पैंडेमिक के चलते एक्सटर्नल वर्जन ऑफ MRSAM और ब्रह्मोस का एक्सटर्नल वर्जन का मिसाइल टेस्ट कर नहीं पा रहा है डीआरडीओ के तब से, क्योंकि सारे मिसाइल टेस्ट करने के लिए मिली रशियन और इजरायली टीम का जरूरत पड़ेगा जो अभी अवेलेबल नहीं है कोविड-19 पैंडेमिक के चलते। इसलिए डीआरडीओ की तरफ से बताया जा रहा है मानसून के लास्ट तक, शायद मानसून के बाद शायद मिसाइल का टेस्ट कंडक्ट कर लिया जा सकता है डीआरडीओ की तरफ से बताया जा रहा है। फ्रेंड, फोर्थ न्यूज़ की बात करें तो इंडिया का फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम की तरफ से आता है डीआरडीओ की तरफ से मेनली कावेरी इंजन प्रोजेक्ट में काम किया जा रहा है। लेकिन एक फाइटर जेट के लिए जितना किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन चाहिए डीआरडीओ का इंजन उतना अचीव नहीं कर पा रहा है। अगर इंडियन एयरफोर्स MMRCA 2.0 प्रोजेक्ट में साइन करता है, कोई भी फॉरेन कंपनी को सिलेक्ट करता है, तो उस फॉरेन कंपनी में डील के साथ कोई भी फॉरेन कंपनी को इंडियन कंपनी के साथ जो सिलेक्ट किया जाएगा फॉरेन कंपनी को, उस कंपनी को इंडियन कंपनी के साथ मेनली इंजन बनाने का इंडिया में और टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इससे IF चिप के हिसाब से ही फिलहाल पता चला अगर इंजन इंडिया में डेवलप कर लिया जा सकता है तो इंडियन का जो अपकमिंग फ्यूचर फाइटर जेट होगा तो उस इंजन में उसको बेस होकर फाइटर जेट को बनाया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो इंजन को बनाया जाता है मतलब अमेरिका से हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक का इंजन, तेजस जो बन रहा है फिलहाल उस अमेरिका का इंजन को ऊपर डेवलप करके बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड, आपको इस बारे में क्या लगता है, इंडिया को MMRCA 2.0 डील साइन करना चाहिए कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। फ्रेंड, फिफ्थ न्यूज़ की बात करें तो इंडिया का एयरक्राफ्ट का तब से आता है एयरफोर्स वन। इस एयरक्राफ्ट को मेनली VVIP ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, मेनली इंडियन गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा पता चला। इंडियन प्राइम मिनिस्टर हो गया, इंडियन प्रेसिडेंट हो गया, उनके लिए फिलहाल इस्तेमाल किया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट की बात करें तो बहुत ही एडवांस एयरक्राफ्ट होने वाला है, मतलब कोई मिसाइल अटैक हुआ तो इजीली मिसाइल अटैक को मतलब डिस्ट्रॉय कर सकता है, मतलब मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एयरक्राफ्ट को कुछ भी नहीं होगा, इसमें बहुत ही एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, काउंटर मेजर सिस्टम, जैमर्स लगा होगा। फ्रेंड, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।